Hello guys, good morning and welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely, absolutely fine. गुड मॉर्निंग. आज धूप निकली बहुत बढ़िया. अभी तो कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी. अरे निकल रही मधुर मधुर. आजकल कुछ दिन से थोड़ी थोड़ी धूप निकलना शुरू हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा राहत मिल जाती है. एटलीस्ट प्लांट्स वगैरह को थोड़ी धूप मिल जाती है. अरे नीचे वाला जो प्लांट था ना जो कलर चेंज हो गया ऊपर जाके वो तो दिखाया था लास्ट में. अच्छा. अब है नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं. शेविंग इनको जाना है ड्यूटी पे. गुड मॉर्निंग आरव. गुड मॉर्निंग. जरा प्लांट को सुबह सुबह आरव को भी स्नान करा दें क्या इसी से हैं? ये देखो आरव अभी समय क्या होता है ना केवल ऊपर ऊपर देना ज्यादा जरूरी. अंदर तो वो रहता ही है. धूल भी है जब हट जाती तभी खाना बनेगा. धूप तो ऐसे ही कम हो रहा है. तो जो इंडोर है सब पहले इनको थोड़ा निकाल दीजिए यहाँ से. क्या निकाल दे बाबू? ये प्लांट. आरव बड़ा मजा आता है. चलिए हो गया लाइए. ओके थैंक यू आरव. नहाने की तैयारी. जल्दी जाओ फ्लैग होइस्टिंग होने वाली है. इसके पहले नहा लेना है. तो यहाँ पे परेड शुरू हो चुकी है. वो देख आरव रेडी नहा के. वेरी गुड. परेड चालू. सुबह 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 नहा के सबसे पहले अंडे का फंडा. पोहा बनाओ. पोहा आज इनका फेवरेट बन रहा है. पोहा तुम्हारा नहीं है क्या? हमें सबसे बकवास लगता है. पोहे बनेंगे. पोहे बनेंगे. अभी बॉइल भी कर रहा है. हाँ हाँ. तो यहाँ है पोहे की तैयारी. ये पोहे रेडी है. एक ऐसी चीज है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. जनरली ऐसा होता है कि पोहा हर किसी को पसंद होता है बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. अब जबरदस्ती खाने को कहा जाएगा तो आई कैन ईट बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बचपन से ही. उत्तर भारत का पसंदीदा. देखिए कैसा बना है. तो ये चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे. ब्रेकफास्ट कर लिया. लंच मैंने बना करके पैक करके दे दिया और वो चले गए. और आरव अब बनाना खा रहा है. और मैंने सारे बेड्स सब कुछ बना दिए. और अब फाइनली आई एम ब्रशिंग माय टीथ सारे काम करने के बाद. यहाँ आरव बैठ के मूवी देख रहे हैं. हाँ. और मैं चली एडिट करने. जब से मैंने अपने हेयर को कलर कर लिया है तब से और ज्यादा एकदम डल डल से होने लगे हैं. ऑब्वियसली कलर के बाद कुछ तो केमिकल्स हैं तो कुछ तो ऐसा इफेक्ट होगा ही. तो एकदम डल डल से फ्रिजी फ्रिजी हेयर होने लगे. ब्रेकेज भी काफी ज्यादा हो गया है. और इधर भी ठंड की वजह से मैं आलस भी बहुत ज्यादा कर जाती हूँ कि मैं ऑयल ना लगाऊं और हेयर वॉश भी जितना कम से कम करना पड़े. बट अब बहुत ज्यादा हो गया. आज धूप भी निकल गई है तो इसलिए मैंने सोचा पहले आज अच्छे से ऑयलिंग कर लेते हैं. सो फॉर ऑयलिंग आई एम यूजिंग वाओ स्किन साइंस का आमंड हेयर ऑयल. आमंड्स तो आप सबको पता है कि बालों के लिए स्किन के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है. और जब आपको एक केमिकल फ्री पैराबिन फ्री आमंड ऑयल मिल जाता है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है. और प्लस ऑयल लगाने के बाद अगर वो ग्रीसी नहीं है यानी कि नॉन ग्रीसी ऑयल है तो आपको हर टाइम स्टिकी स्टिकी पन नहीं लगता है ना. तो और ज़्यादा बेटर लगता है.
लगता है कि एकदम ऑयली ऑयली सा भारी भारी सा लग रहा है. दिस इज एन अमेजिंग हेयर ऑयल फ्रॉम वाव स्किन साइंस. दिस इज द आमंड हेयर ऑयल. वाव के किसी भी प्रोडक्ट्स में किसी तरह के कोई केमिकल्स और पैराबेंस नहीं होते हैं. प्लस ये सभी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया होते हैं. इनके सभी प्रोडक्ट्स पे आपको ऐसा एक QR कोड मिल जाएगा जिसको स्कैन करके उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी आप पता कर सकते हैं. इन केस यू हैव रफ हेयर्स, वीक हेयर्स, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, सो डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई दिस. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माय हेयर. इस प्रोडक्ट की सभी परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेकआउट करिए एंड गो परचेज इट और अपने हेयर को एक प्रॉपर केयर दीजिए. प्लस इसकी जो पंप बॉटल है दैट इज अमेजिंग. ऑयलिंग करने के बाद ना बालों में ये जो आपके रूट्स होते हैं यहाँ पे फिंगर्स से मसाज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है. देखो यहाँ ठंडी का खाली बेटा, मूंगफली मूंगफली में दाना नहीं, तुम्हारे मामा मामा नहीं. यहाँ आइटम पे आइटम यहाँ बन रहा है पनीर लबाबदार. बहुत पनीर बनता है, घी डाल दियो. हमारे यहाँ घी ज्यादा यूज होता है, या सरसों का तेल या देसी घी. वाह, आई डोंट यूज रिफाइंड ऑयल. मतलब जो चीजें घर की बनी हुई है, पतोहिया तो बड़ा खर्चीलू. नीक नीक मिली तब तो खर्चा तो हो गए करी. ठंडी में गरम गरम मूंगफली खाने मजा आ जाता है. मूंगफली अरे कोरोना का जब तोड़ा ही रहे हो तब नहीं, कोरोना हाथ से तोड़ रहे हो तो मुंह में तो जा ही रहा है. और चटनी में पता नहीं कैसे नाक चूहा के चटनी चटनी बनी है करके बनी है, लेकिन जाओ कोई बात नहीं. बाबू क्या कर रहा है? टीवी खोल कर बोला. अरे हाय, अपने नाम के स्पेलिंग बताओ. एकदम आरा सिंह अपने इंटरव्यू की तैयारी पर जोर शोर से चला डांस. और बना के दिया करो. तो हमारी पनीर लबाबदार बहुत ही बेहतरीन सी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है. आप भी देखेंगे तो आपको लालच आने वाली है. दिस इज ऑलमोस्ट रेडी. यहाँ इंटरव्यू की तैयारी चल रही है. बहुत ही बढ़िया सी पनीर लबाबदार तो बन गई है, बन के रेडी है. बट इसके साथ मन हुआ कि बटर नान और गार्लिक नान खाने का, और अभी तुरंत बन भी नहीं सकती थी बिकॉज आटा पहले से सानना पड़ता है. तो इसलिए मैंने फटाक से गार्लिक नान और बटर नान मंगा दी और उसके साथ हम ये खाएंगे. यम्मी. सो बज गए रात के 11:30 और आरव भी सो चुका है एंड बस अब सोने की तैयारी है. मैं यही वाला व्लॉग एडिट कर रही हूँ जो कि ऑल बाकी पूरा पार्ट एडिट हो चुका है. आई जस्ट थॉट टू से आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा. अगर आपके चेहरे पे एक छोटी सी भी हंसी हम ला पाते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हमारे एफर्ट्स कुछ तो कर पा रहे हैं, किसी के लाइफ में छोटी सी स्माइल ला पा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिएगा जैसे आप हमेशा देते हैं. वी आर वेरी ब्लेस्ड विद दैट एंड बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ.